सुपर हीरो मूवीज की जब भी बात आती है तो हमारे सामने डीसी या मार्वल्स के कैरेक्टर बैटमैन, सुपरमैन, एवेंजर जैसे ही नाम सामने आते हैं। लेकिन ऐसे भी कई बेहतरीन इंडिविजुअल सुपर हीरो मूवीज हैं, जैसे कि हैंकॉक, जो लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने में सफल हुई थी। तो स्वागत है आपका बियॉन्ड स्क्रॉलिंग में, और आज हम देखेंगे ऐसे ही 13 मूवीज जिसे आप देखना पसंद करेंगे अगर आप सुपर हीरो जॉनरा को पसंद करते हो तो। The Call Me Zig 2015 की इटालियन साइफाई एक्शन फिल्म की कहानी एक चोर एनजो की है, जिसे सुपर ह्यूमन ताकत मिल जाती है जब वह एक नदी में गिर जाता है जहां रेडियो एक्टिव वेस्ट रहता है। फिल्म एक्चुअली स्टील जिग नाम के एक मांगा और एनिमे सीरीज को ट्रिब्यूट है जो इटली में काफी फेमस है। फिल्म की एक कैरेक्टर अलिसिया, जो मेंटली अनस्टेबल है, एनजो को एनिमे का कैरेक्टर स्टील जिग समझने लगती है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का प्यार मिला और इसे 89th एकेडमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के कैटेगरी के लिए इटली की तरफ से भेजा गया था। फिल्म में एक्शन सीन्स काफी बेहतरीन है, साथ ही इमोशनल पार्ट भी अच्छे हैं, जो इस फिल्म को काफी ऊपर उठाती है। फ्रीक्स 2018 की इस अमेरिकन कैनेडियन फिल्म का नाम आप लोगों ने शायद ही सुना होगा। यह काफी अंडररेटेड मूवी है जिसकी स्टोरी के बारे में जितना कम बोलूं उतना ही बेहतर होगा। बस गारंटी है प्योर एंटरटेनमेंट की जो इस फिल्म को देखकर आपको आएगी। फिल्म काफी स्लो स्टार्ट लेती है, जहां एक बाप अपनी बेटी के साथ घर के अंदर नजरबंद है और एक दिन उसके पिता के सोने के दौरान उसकी बेटी घर से बाहर आती है, जिस कारण से उसे काफी डांट पड़ती है। क्या क्यों यह सब जानने के लिए आप यह फिल्म जरूर देखें। स्टोरी टेलिंग शानदार है और जिस प्रकार सस्पेंस के साथ ट्विस्ट दिया गया है, आपको शौक तो कन्फर्म देगा। आई बॉय 2017 की इस ब्रिटिश साइफाई फिल्म की कहानी एक लड़के की है, जो अपने पड़ोस की एक लड़की, जिसका रोल गेम ऑफ थ्रोन्स की आर्या यानी मेजी विलियम्स ने निभाया है, पर एक ग्रुप के द्वारा अटैक में बचाने के दौरान सर पर गोली लग जाती है, जिस कारण मोबाइल के कुछ चिप्स उसके दिमाग में घुस जाते हैं, जिससे उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती कि वह किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है और वह किस प्रकार इसका इस्तेमाल अपने आसपास हो रहे क्राइम को रोकने के लिए करता है। फिल्म का कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश और इनोवेटिव है, मगर आपने अब भी अगर यह फिल्म नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। क्रॉनिकल 2012 की इस फाउंड फुटेज सुपर हीरो फिल्म की कहानी तीन दोस्तों की है, एंड्रू, मैट और स्टीव की, जिन्हें एक रात एक खुफिया गुफा दिखती है जहां उन्हें टेलीकाइनेटिक शक्तियां मिलती हैं। पहले वह लोग इस शक्ति का इस्तेमाल फन के लिए करते हैं, मगर एंड्रू धीरे धीरे इस शक्ति का इस्तेमाल बुराई के लिए करने लगता है, और आगे मैट और स्टीव उसे कैसे रोकते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। इसकी स्क्रिप्ट काफी इंटरेस्टिंग है और काफी स्मार्टली लिखी गई है, जहां एक्शन और डायरेक्शन काफी फास्ट पेस्ड है, जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। साइको केनेसिस 2018 की साउथ कोरियन फिल्म में, जहां हमारा मेन कैरेक्टर के एक बैंक सिक्योरिटी गार्ड गिरे हुए उल्का पिंड के पानी को गलती से पी लेता है, जिस कारण उसमें टेलीकाइनेटिक शक्ति आ जाती है, और उसकी मदद से वह उससे कभी नहीं बात करने वाली बेटी को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से बचाता है। इस फिल्म में सब कुछ है, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और इमोशंस तो भर के हैं, जो बाप और बेटी के रिश्तों को दिखाती है। यह ट्रेन टू बुसान के डायरेक्टर योन जोंग हो की दूसरी फिल्म है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अनब्रेकेबल 2000 की इस एम नाइट श्यामलन की सुपर हीरो थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। कहानी है डेविड की, जिसे ब्रूस विलिस ने निभाया है, एक भयानक ट्रेन हादसे के दौरान बिना किसी खरोंच के बच निकलते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज का पता चलता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके ठीक विपरीत इंसान एलाइजा से होती है, जो हमेशा व्हील चेयर पर रहता है। स्टोरी इस फिल्म की जान है और क्लाइमेक्स रिवील इज वन ऑफ द बेस्ट। एक्चुअल में यह एक ट्रिलॉजी की फर्स्ट पार्ट थी, स्प्लिट और ग्लास इसके बाकी के दो पार्ट हैं, जो इस अनयूजुअल सुपर हीरो की यूनिक ट्रिलॉजी है, जो कई मेन स्ट्रीम सुपर हीरो मूवीज को टक्कर दे सकती है। अगर आप एक मूवी लवर हैं तो हमारे चैनल में ऐसे कई वीडियोज हैं जिन्हें देखना आप पसंद करेंगे। इसके लिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अभी मजा आएगा ना। रेंडल 2017 की इस फिनिश सुपर हीरो फिल्म की कहानी ट्रेडिशनल सुपर हीरो फिल्म से हटकर है, जहां हमारा हीरो बदले और न्याय के बीच के अंतर को भुलाकर एक बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन याला को खत्म करने पर लगा हुआ है। फिल्म काफी वायलेंट और डार्क है, एक्शन सीन्स इंप्रेसिव हैं और अच्छाई और बुराई के बीच की दूरी को कम करती इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं।
कैप्टन अमेरिका बनने से पहले क्रिस इवांस ने 2009 की सुपर हीरो फिल्म में काम किया था, जहां कहानी एक लोगों के ग्रुप की है जिनमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं और सारे मिलकर गवर्नमेंट के एक एजेंसी जो उन्हें कंट्रोल कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिल्म में उस समय कोई भी बड़ा नाम ना होने के कारण इस फिल्म के बारे में काफी कम लोग को ही पता है। कुछ एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी काफी बेहतरीन है, एटलीस्ट इसे क्रिस इवांस के नाम पर एक बार देखना तो बनता है। मिडनाइट स्पेशल 2016 की इस फिल्म की कहानी रॉय की है, जो अपने बेटे अल्टन मेयर के साथ इधर उधर छिपता फिर रहा है क्योंकि अल्टन के पास सुपर पावर्स है जिनका इस्तेमाल गवर्नमेंट और एक इविल कल्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद करना चाहती है। यह फिल्म एक काफी लो बजट की है, मगर फिल्म को जिस प्रकार से दर्शकों के लिए बनाया गया है वह लाजवाब है। इस फिल्म ने कई पुराने साईफाई फिल्मों जैसे ईटी, एनकाउंटर ऑफ थर्ड काइंड जैसी फिल्मों से इंस्पिरेशन लिया है, जो आप देखते वक्त बिल्कुल महसूस करेंगे। जंपर 2008 की इस अमेरिकन साइंस फिक्शन 1992 के इसी नाम के एक नोवेल पर आधारित है, जहां डेविड हमारा मेन कैरेक्टर को बचपन में टेलीपोर्टिंग की शक्ति का पता चलता है, यानी वह एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है और वह अकेला ऐसा करने वाला दुनिया में नहीं है। और उन जैसे जंपर्स की तलाश कर खत्म करने का काम एक सीक्रेट सोसाइटी कर रही है। उनका मानना है कि वो लोग भगवान के बनाए हुए संसार का नियम तोड़ रहे हैं। फिल्म के एक्शन सीन्स इनोवेटिव हैं और एक बार इस फिल्म को देखना तो बनता है। अमेरिकन हीरो 2015 की सुपर हीरो कॉमेडी ड्रामा फिल्म की कहानी मेलविन की है, जो एक अल्कोहलिक है और मजे के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पार्टियां करती हुई जिंदगी जी रहा है, मगर कुछ ऐसा होता है जिस कारण वह अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक हीरो की जिंदगी जीना चाहता है। यह एक काफी लाइट फिल्म है जो आपके खाली समय काटने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हॉन्टर्स 2010 की साउथ कोरियन फिल्म की कहानी दो लोगों के बीच की लड़ाई को दिखाती है। एक साइकिक है जो अपने दिमाग से लोगों को कंट्रोल कर सकता है और दूसरा दुनिया का एकमात्र इंसान जो उसके ताकत से परे है, जिसे वह साइकिक कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिल्म की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और बिल्डअप जबरदस्त, कुछ सीन्स आपको गूज़बम्प भी दे सकते हैं। ड्रेड 2012 की इस कॉमिक बुक हीरो की कहानी है ड्रेड की, जो शहर में हो रहे क्राइम को रोकने के लिए पुलिस टाइप का कैरेक्टर है जिसे जज कहते हैं। जज ड्रेड को एक खास प्रकार के ड्रग को शहर में रोकने के लिए वहां एक ऐसे जगह में कदम रखना पड़ता है जहां से उसका बचकर निकलना काफी नामुमकिन सा है। फिल्म का प्लॉट इंडोनेशियन फिल्म द रेड से काफी मिलता जुलता है, मगर एक्शन में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रेड में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं तो यहाँ पर सीजीआई का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से किया गया है और एक्शन सीन्स तो लाजवाब हैं। अगर मौका मिले तो इस फिल्म को ना छोड़ें। अगर हमने वीडियो में कुछ मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करें।